लड़की को पत्थर के ऊपर एक पीला पदार्थ दिखाई दिया। जब आदमी ने उस तरल पदार्थ को चखा तो उसे उसका स्वाद मीठा लगा। पता चला कि ये तो शहद है, पर ये शहद का झरना कहाँ से आ रहा था? ये देखने के लिए दोनों काफी उत्सुक थे, इसलिए वो लोग गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर उन्हें एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता मिला। ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा छत्ता आखिर कौन बना सकता है? फिर वो दोनों गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। वो बाहर निकलने ही वाले होते हैं, पर उन्हें वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि एक गाय जितनी बड़ी मधुमक्खी उनका रास्ता रोक लेती है। मधुमक्खी उनके पीछे पीछे आती है, इसलिए वो दोनों मधुमक्खी के छत्ते में छुप जाते हैं। दोनों काफी डरे हुए थे, क्योंकि एक छोटी सी मधुमक्खी काटने पर बुरा हाल होता है, और अगर इस बड़ी मधुमक्खी ने काट लिया तो क्या होगा? उसके बाद मधुमक्खी उन दोनों को अपने छत्ते में कैद कर देती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों का दम घुटने लगता है। तब आदमी अंदर आग जलाकर छत्ते की दीवार को पिघला देता है। फिर दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, पर वो दोनों नीचे गिरते हैं और एक और गुफा में पहुंच